कढ़ाई कोरमा बनाने जा रहे हैं और आप देखें कि हम कढ़ाई कोरमा किस तरीके से बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी का मेरी किचन में स्वागत है। आज मैं कढ़ाई गोश्त बनाने जा रही हूँ। ये कढ़ाई गोश्त किस तरीके से मैं बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। इसके लिए हम 250 ग्राम ये प्याज लेंगे। ये हमारी 250 ग्राम प्याज है, ये हमने चॉप करके रख ली है। उसके बाद ये हमारे मसाले हैं, ये नमक है, ये लाल मिर्च है, ये धनिया है, ये हल्दी है और ये हमारे गरम मसाला पिसा हुआ है। हल्दी हमने आधी चम्मच ली है, धनिया हमारा 2 चम्मच है और मिर्च हमने 1 चम्मच ली है। आप अपने स्वाद अनुसार डालें और नमक भी अपने स्वाद अनुसार डालें। ये हमारे सारे खड़े मसाले हैं, तेजपात पत्ता है, इलायची है, हरी वाली लौंग है और ये काली मिर्च है, जावेत्री है, दालचीनी और ये इलायची और ये हमारा 250 ग्राम दही है। उससे पहले हम अपने गोश्त को लेंगे। गोश्त ये हमारा 1 kg है, इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। पहले हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर ले रहे हैं, उसके बाद ये मसाले सारे इसमें ऐड कर देंगे हम। मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से हम चला लेंगे। अब इसमें हम ये हमने मिक्स कर लिया, इसमें हम आधा दही डालेंगे, इसमें हम आधे से भी कम डालेंगे। अब इसे अच्छे तरीके से हम चलाएंगे और इसे मैरिनेट के लिए रख देंगे। ये हमारा सारा मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं, दही वगैरह जो हमारे सारे मसाले थे वो हमने मिक्स कर लिए। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। ये हमने कढ़ाई रख ली है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे सरसों का। अब इसमें हम ऑयल 250 ग्राम के करीब डालेंगे। ये हमने 250 ग्राम ऑयल डाल लिया है। अब इसे अच्छी तरीके से हम गर्म होने देंगे ऑयल को। अब इसमें फिर प्याज डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब ये हमारी प्याज डाल देते हैं। तेल ज्यादा गर्म था, प्याज डालेंगे हम बहुत तेज आवाज अभी सुनाई। हमें हल्की सी ब्राउन करके प्याज निकालें, फिर इसके बाद हमें पूरी ही ब्राउन करनी है। आधी हमें हल्की ब्राउन करके निकालें और आधी हमें ऐसे ही छोड़ देनी है। गैस हमारी ये प्याज हो चुकी है गोल्डन ब्राउन, अब इसे हम निकाल लेते हैं। हम सारी प्याज लेंगे, सारे प्याज हमने निकाले। अभी हमारे जो खड़े मसाले थे ये सारे हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे तरीके से सोटे होने देंगे। गरम मसाले हमारे हो चुके हैं। ये हमने जो हमारा गोश्त था ये हमने 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। गाइस 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे चला देंगे। इसे अच्छे तरीके से चलाना है हमें, अच्छे तरीके से हम चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमारी प्याज थी जो हमने निकाली थी ब्राउन लाइट ब्राउन वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पहले ही हमने वो निकाल ली थी। उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट है इसको हम डालेंगे। दोनों ही चीजें लहसुन अदरक अब इसको हमने डाले। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कम से कम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे, इसे भूनेंगे। ये गाइस भून चुका है, ये हमने बीच में 2-3 दफा चेक कर लिया था। जब हमने बीच में चेक करा था टाइट था, फिर हमने आधा गिलास और डाल दिया। अभी गाइस गल चुका है तो इसमें हम प्याज जो हमने निकाली थी ब्राउन वाली उसे ऐड करेंगे और जो हमारा बचा हुआ दही था उसे ऐड करेंगे। पहले पीसी हुई हम प्याज को ऐड करेंगे, ये हमने इसमें डाल ली है और इसमें हम दही ऐड करेंगे। इसमें हम दही को ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से चलाएंगे इसको। अभी इसे थोड़ी देर और भुनने देते हैं, फिर इसमें हम देखते हैं पानी हमें कितना डालना है कितना नहीं डालना। गाय भी अच्छे तरीके से भुन चुका है, हमने जो दही डाला था उसका इसमें पानी छोड़ दिया था तो इसलिए हमने इसे पकाया था। अब इसमें हम अच्छे तरीके से चलाने के बाद
देखेंगे इसमें ऑयल भी छोड़ दिया गाइस। अब इसमें हम अपना एक गिलास पानी डालेंगे। हमने एक गिलास पानी डाल दिया है, इसे थोड़ी देर पकने देंगे, फिर हमारी बनके भी तैयार हो जाएगी गाइस। इसमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल रही है और बहुत ही दिखने में लाजवाब लग रहा है। अब हमने बहुत को चेक करते हैं, इसका जो कच्चापन था ये निकल चुका है। अभी इसमें हम बस एक ढक्कन केवड़े की डालेंगे, बस एक ही ढक्कन डालेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, एक गिलास के करीब हम पानी डालेंगे। कम से कम इसे 25 से 30 मिनट पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसे चेक करते हैं, इसमें चेक करते रहेंगे। ये हम पानी डाले हैं, ये हमारा बड़ा वाला गिलास है। अब इसमें हम डाल लेते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि हमारा ये बड़े का गोश्त है तो इसमें पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमने इसमें डाल दिया है और जो हमने केवड़ा डाला है उसका अलग ही अपना टेस्ट होता है। आप ही गाइस एक बार ही इस तरीके से बना के देखें, सिंपल सी रेसिपी है और खाने में बहुत जायकेदार लगती है। अब इसे हम ढक देंगे। गाइस ये हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब इसे हम डिश में निकाल के आपको दिखाते हैं। ये हमने डिश में निकाल लिया है गाइस, ये देखो इसका कितना अच्छा कलर आया है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और हमारे घर में पूरे में गाइस इसकी कोरमे की कढ़ाई कोरमे की खुशबू हो रही है। और आप भी इसे एक दफा ट्राई करें, इसे बनाएं और बनाकर देखें कि गाइस ये कितना लजीज लगता है खाने में। इसे आप चपाती के साथ खा सकते हो, बाहर की होटल की रोटी के साथ खा सकते हो। ये होटल की रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है और घर की चपाती जो हम लोग बनाते हैं उससे भी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक दफा प्लीज ट्राई करें और हमें बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमें बताएं कि हमारी डिश कैसी लगी। थैंक यू।